स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार को सैमसंग और एप्पल समेत नामी कंपनी से 45,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। प्रस्ताव सौंपते ही इन कंपनीज ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग उठा दी। इस मांग को देखकर सरकार के फैसला करने से पहले यूपी ने अपने यहां रियल एस्टेट की इस बरसों पुरानी मांग को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया है। देश के आर्थिक तौर पर मजबूत राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश अक्सर पीछे छूट जाता है, लेकिन अब ये राज्य बदल गया है। मसला चाहे चीन से आने वाली कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का हो या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की सिंगल विंडो क्लियरेंस ना होने की शिकायत, यूपी अब रेस में दौड़ना सीख गया है। देश विदेश की आने वाली कंपनियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस तो केंद्र सरकार के हाथ की बात है, लेकिन राज्यों के विषय में शुमार रियल एस्टेट के मामले में यूपी के सीएम योगी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू करने की पहल कर दी है। बरसों बरस से इसकी मांग करने वाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। यूपी ने रियल एस्टेट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की पॉलिसी लेके आए हैं, जो एक बहुत अच्छी मूव है। इससे डेवलपर्स को जहां अलग अलग अप्रूवल लेने में एक साल से ज्यादा का समय लग जाता था, वो आज एक बार में मिलेंगे। इससे न ही सिर्फ प्रोजेक्ट बहुत जल्दी तैयार होंगे, कस्टमर्स को भी जल्दी परमिशन मिल जाया करेगा प्रोजेक्ट का।